आज हम यहाँ पे जो कल JNU के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है उसके बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। कल JNU के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जो JNU से लेके पार्लियामेंट तक जा रहा था। JNU के स्टूडेंट्स कई दिनों से जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मैटर चल रहा है उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में उनके स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की तरफ पीसफुली मार्च कर रहे थे और उस मार्च के दौरान लक्ष्मीबाई नगर के आसपास उनको पुलिस ने रोका है और रोकने के अलावा बहुत ही ब्रुटैलिटी से उस मार्च को रोका गया है, चाहे वो वाटर कैनन्स का प्रयोग हो, चाहे वो लाठीचार्ज हो। और जिस तरह से स्टूडेंट्स को पुलिस ने पकड़ पकड़ कर मारा है, ये बहुत ही खतरनाक संकेत है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। वो स्टूडेंट्स बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी तरफ से कोई भी रेजिस्टेंस और वायलेंस नहीं हुई थी, परंतु एक एक स्टूडेंट को ब्रुटैलिटी से पकड़ा गया है, उठाया गया है, जो वीडियोस आए हैं जिस तरह से उन्हें बसेस में फेंका गया है, ये बहुत ही एक सीरियस बात है। ये ब्रुटैलिटी पुलिस के द्वारा दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, वहाँ पर हो रही है। देश की राजधानी में जहाँ पर पूरा देश देख रहा है, जहाँ पर पूरी दुनिया देख रही है, वहाँ पे दिल्ली पुलिस, जिसे केंद्र सरकार चलाती है, जो केंद्र सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है, क्लियरली पुलिस इतनी ब्रुटैलिटी होम मिनिस्टर के आदेश के बिना, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बिना नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस का ये रूप पिछले 3 सालों से देखा हुआ है, चाहे वो हमारे विधायकों के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप हो, चाहे उन्हें रात के बीच में लेके जाके अरेस्ट करना हो, चाहे अहमदाबाद पहुंच के फ्लाइट से वहां से विधायक को अरेस्ट करना हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से। परंतु आम आदमी पार्टी के अलावा ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स भी दिल्ली पुलिस का और केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि आप पिछले 3 साल में देखिए तो रिपीटेड इंसिडेंट्स नजर आते हैं कि जहां पे स्टूडेंट्स के पीसफुल प्रोटेस्ट पे पुलिस ने इस प्रकार की ब्रुटैलिटी की है। जब रोहित वेनुला की सुइसाइड के खिलाफ फरवरी 2016 में एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर भी पुलिस ब्रुटैलिटी हुई थी स्टूडेंट्स के खिलाफ। पिछले साल फरवरी में आप सबको याद होगा कि जब रामजस कॉलेज में एक इवेंट होना था, उसके बाहर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जिस तरह से स्टूडेंट्स की पिटाई करी थी, फिर उन्हें अरेस्ट किया था। और कल जो JNU की घटना हुई है, ये एक बहुत चिंताजनक मामला है। अभी पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और एक फोटो जर्नलिस्ट से माफी मांगी है और कहा है कि हमें पता नहीं था कि वो जर्नलिस्ट हैं। तो हम ये दिल्ली पुलिस से और केंद्र सरकार से पूछना चाहेंगे कि क्या उनके हिसाब से स्टूडेंट्स को पीटना सही था? क्या वो ये कह रहे हैं कि हमें लगा वो स्टूडेंट है इसलिए हमने पुलिस को उन्हें पीटने दिया? जर्नलिस्ट की पिटाई ठीक नहीं है, परंतु क्या स्टूडेंट्स को इस ब्रुटैलिटी से मारना ठीक है? ये हमारा सवाल है। देखिए, मेरा इतना ही कहना है, मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रही, वहाँ से छात्र राजनीति की, पर मैंने अभी तक, अगर मैं अपना पीछे का समय देखती हूँ, कभी भी छात्र राजनीति में इतनी बुरी तरह जिस तरह से छात्रों को, प्रोफेसर्स को, पत्रकारों को पीटा गया हो, ये शायद मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले इतनी बड़ी ब्रुटैलिटी जो है वो भी इतने गंभीर मुद्दे पर हुई हो। ये वो सरकार है जो बेटी बचाओ का नारा देती है, उसी नारे के तहत JNU की 9 बेटियां चीख चीख कर अपनी सुरक्षा की मांग उठा रही हैं और उन बेटियों का साथ पूरे JNU के स्टूडेंट्स, पत्रकारों और प्रोफेसर्स ने भी दिया। मेरी सिर्फ इतनी ही मांग है कि हम लोगों का कोशिश रहेगी, हम देश के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से समय मांग रहे हैं, हम दिल्ली के LG अनिल बैजल साहब से समय मांगेंगे, हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, तीनों से समय मांगेंगे। और बिल्कुल ये जो ब्रुटैलिटी हुई है या जितनी जो है सख्ती दिखाई जानी चाहिए थी, सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि कोर्ट में जाकर बेल का जो अपोज दिल्ली पुलिस से उम्मीद की जा रही थी कि किया जाएगा, उन्होंने बेल का अपोज नहीं किया, उन्हें बहुत आसानी से बेल मिल जाती है। अभी तो कुछ लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर व्यंग कस रहे हैं कि आप प्रोफेसर जोहरी को आम आदमी पार्टी में ले लीजिए, उससे क्या होगा, कल ही गिरफ्तार हो जाएंगे और जेल भेज दिए जाएंगे। क्योंकि ये उदाहरण रहे हैं कि कब कब हमारे विधायकों पर छोटे से भी आरोप, झूठे आरोप लगने की देर है और पुलिस हमेशा मुस्तैदी से तैयार रहती है उनकी बेल को अपोज करना या उन्हें तुरंत उठाकर जो है रिमांड में लेना और जेल भेजने के लिए तत्पर रहती है। तो इस तरह के व्यंग भी किए जा रहे हैं कि आप आदमी पार्टी की सदस्यता दे दीजिए, कल देखिए दिल्ली पुलिस उन्हें कैसे उठाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी।
ये बहुत अपने आप में गंभीर मामला है, क्योंकि हम लोगों ने 2012 में निर्भया आंदोलन में लाठियां चलते हुए देखा। सरकार को इसका खामियाजा उस समय की सरकार को भुगतना पड़ा। आज मुझे नहीं लगता 2012 से 18 में आके कोई भी सबक केंद्र की सरकारों ने लिया है, और मुझे लगता है कि बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसीलिए समय है, अभी जागिए, तुरंत कार्रवाई करिए। और HT की पत्रकार के लिए जैसे बात कही कि उन्हें नहीं मालूम था पुलिस को कि वो पत्रकार है, आप सोच लीजिए कि किस तरीके का आदेश पुलिस को हुआ था कि कुछ भी हो छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया। महिला हमारी कुछ छात्राओं के फोटोग्राफ्स कल से सोशल मीडिया में हैं, आपने भी देखे होंगे, कुछ छात्राओं ने अपनी तस्वीरें डाली हैं। ब्रुटैलिटी की हदें पार की गई है। मांग क्या थी? वही बेटियां अपने बचाने की मांग कर रही है। क्यों उस प्रोफेसर को बचाया जा रहा है? आपने खुद सोशल मीडिया की ताकत को देखा है कि बेनकाब हुए हैं प्रोफेसर जोहरी के संबंध भाजपा के या वहाँ के AVVP के छात्र संगठन के कितने करीबी रहे हैं। हमें पूरी तरह लगता है कि भाजपा का एक एक बड़ा नेता जोहरी को बचाने की, प्रोफेसर जोहरी को बचाने की जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि पुलिस ने उनकी बेल का अपोज नहीं किया, उन्हें अभी तक अरेस्ट करके जेल होना चाहिए था, क्योंकि अभी भी लगता है कि बहुत से सबूत जो हैं, किसी तरह दबाव जो है, जो भी ताकतें उन्हें सपोर्ट कर रही हैं प्रोफेसर जोहरी को, कहीं ना कहीं छात्रों पर दबाव और बनेगा, इन 9 छात्रों पर, या और भी हो सकता है छात्राएं हों जिन्होंने उनके समय पर हैरासमेंट जो है वो सहा हो। चुप हैं, आ सकती हूँ, मुझे लगता है दबाने की कोशिश है। इसलिए हम इसे बहुत गंभीरता से आम आदमी पार्टी ले रही है, इसलिए हम प्रेस के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं कि हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। हम JNU के हर स्टूडेंट प्रोफेसर के साथ और उन सभी पत्रकारों के साथ पूरी ताकत बन के खड़े हैं जो इस लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, और हम इस लड़ाई में पूरा हमारा समर्थन JNU के स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को, और ये 9 छात्राओं को, और भी अगर कोई है, हम कहेंगे आप हिम्मत दिखाइए, हम आपकी ताकत बनकर इस लड़ाई को देश के गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर और बैजल साहब दिल्ली के LG तक को लेकर जाएंगे।